मस्कार दर्शकों दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि होली का पर्व और रंग पंचमी की आप दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि 31 मार्च करीब आ चुका है तो हम कहीं से अपने टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के चूक न जाएँ इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ पधारे हैं सी ए नरोला जी और आ, हमारे विशेष अतिथि हैं प्रदीप रावत जी जो कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं भोपाल के नमस्कार आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है तो नंदन नरोला साहब आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि इकतीस मार्च करीब आ चुका है जी सर। तो आप हमारे दर्शकों को किस तरह से अवेयर करेंगे कि न्यू ओल्ड रिजीम को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है आपने बोला कि अब आयकर में दो पद्धतियां आ गई हैं एक पुरानी पद्धति जिसका आम नाम जो है वो ओल्ड रेजिम है और एक नई पद्धति गणना की जिसका नाम न्यू रेजिम है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में जो सबसे बड़ा दो अंतर है जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि न्यू रेजीम में सरकार ने आयकर की दरों को कम कर दिया है लेकिन कम दरों का लाभ उठाने के लिए आपको जो आयकर में छूट दी जाती थी जैसे एक बहुत ही पॉपुलर धारा हुआ करती है सेक्शन एटीसी वो आपको त्यागनी पड़ेगी एटीसीडी वो आपको त्यागनी पड़ेगी तो यदि आप वो छूट त्यागने के लिए तैयार हैं या अगर आप वो छूट में निवेश नहीं करना चाहते तो आप न्यू स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं ये एक मूलभूत मूलभूत जी तो दर्शकों आप अपने कागज और पेन को लेकर के तैयार हो जाएं हमारे टोल फ्री नंबर है वन एट डबल ज़ीरो टू डबल थ्री डबल ज़ीरो फोर जीरो और हमारा लैंडलाइन नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल ज़ीरो फोर नाइन जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा इस नंबर के माध्यम से आप हमारे दर्श हमारे एक्सपर्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं वो आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे तो प्लीज़ अब जो है मेरा प्रश्न प्रदीप रावत जी आपसे है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी आवश्यक है और क्यों आवश्यक है इसको करने से एक आम व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि जब व्यक्ति कमाना चालू करे जब उसकी आय चालू हो तो उसको आय समय के समय ही शुरुआत में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के कई कंपोनेंट्स हैं जिनको लेके फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है जिसको बोलते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग जी। गोल बेस्ड प्लानिंग जिनका उद्देश्य पूर्ण आपकी जो प्लानिंग होगी वो लॉन्ग टर्म भी होती है मिड टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है समय समय पर हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ज़रूरतें होती हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नाम कहा गया है जैसे कि एक हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे बच्चों का मैरिज एंड एजुकेशन प्लानिंग हमको तरह तरह के जो भी जीवन में आपके मूलभूत उद्देश्य है उनको लेके प्लानिंग मिल जाता है, व्यक्ति जो है कही ना कही अपनी फाइनेंशियल चिंताओं से दूर हो जाता है जी, जी। या उसको फाइनेंशियल चिंताएं जो है परेशान नहीं कर पाती बिल्कुल बिल्कुल नंदन सर एक बात आपने कही जैसे न्यू रिजिम में व्यक्ति को बहुत सारी छोटे त्यागनी पड़ती जी सर ओल्ड रजीम में छूटे त्यागनी नहीं पड़ेंगी जी जी तो वो कौन कौन से छूट के माध्यम से हैं है किन किन सेक्शंस में कितनी छूट मिल सकती है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे बिल्कुल सर ओल्ड रेजीम का सर एक बहुत पुराना जो धारा चली आ रही है ए सी जो सेक्शन ए सी में डिडक्शन है जिसमें बच्चों की ट्यूशन फीस एन एस पीपीएफ में किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन सुकन्या समृद्धि योजना में किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट का जो मूल होता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी डेढ़ लाख की सीमा होती है वो एक त्यागनी पड़ेगी दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट धारा है जो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको छोड़ना पड़ेगा वो एट्टी डी का है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा एक और बेनिफिट जो आपको छोड़ना पड़ेगा एट्टी सी सी डी एन पी एस और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार उठाते आए हैं ओल्ड स्कीम में वो है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है लाभ उठाने की दो लाख रुपए की होती है वो भी आपको त्यागना पड़ेगा यदि आपको न्यू स्कीम मतलब में मतलब सिंपल है। सा है इसको करके समझे कि अगर आप ओल्ड रिजीम से जा रहे हैं तो इन धाराओं का बेनिफिट मिल सकता है जी आ, मतलब सी में लाख रुपए तक का मिल सकता है हाउसिंग लोन में दो लाख दो लाख तक का एटी डबल सी डी में पचास पचास मिल सकता है तो इस तरह से आपको इन धाराओं का लाभ तब मिल सकता है जब आप ओल्ड रिजीम को एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल लेकिन वहां पे आ करके जो रेट है वो ऊंचे हैं वो हाई हैं न्यू रेजिम में आयकर के जो रेट हैं वो ही कम, कम रेट के साथ गणना तो की जाए मतलब सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा है कि दोनों कोई भी रेजिम अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको कर लाभ मिल सके और साथ ही साथ अगर आप न्यू रिजिम भी एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम कम रहे कम रहे व्यक्ति विशेष के साथ से उसकी आय और उसकी छूट कितनी है उसका एक बैलेंस देख के न्यू में रहना बिल्कुल जैसा कि अभी नरोला सर ने बताया जी। कि ये ऑप्शन ये है जहां पर निवेश करके जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं तो अब मैं इन ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट इन सब अलग अलग जो एवेन्यूज हैं निवेश के जी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आम व्यक्ति को जिसको मार्केट की समझना है जी आ, वो ये नहीं जानता कि उतार चढ़ाव क्या होते हैं जी तो उसको आप किस तरह से सजेस्ट करें कि वो अपना निवेश आरंभ करें देखिए कर लाभ लेने के लिए तो म्यूचुअल फंड में स्कीम है ई एल एस एस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम उसमें लाभ मिलता है इंश्योरेंस का जो आपका प्रीमियम जाता है वो भी उसमें आपका सेक्शन एटी सी में लाभ मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम में सेक्शन एटी डी में लाभ मिलता है रहा सवाल निवेश का कि जो व्यक्ति नया है और निवेश करना, करना चाहता, चाहता है, है उसको किस प्रकार से निवेश प्रारंभ करना चाहिए तो देखिए हर व्यक्ति का स्वभाव समझ और बर्ताव जी बिहेवियर ये अलग अलग होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जाती है बट ये जरूर कहा जाएगा कि निवेश प्रारंभ करने के लिए कम जोखिम वाले फ़ंड को चयन करना चाहिए जैसे कि लार्ज कैप फंड्स हैं बैलेंस एडवांटेज फंड हैं इन फंड्स में अगर पैसे को लगाकर व्यक्ति जो उसको जब तक आत्मविश्वास जाहिर ना हो कि हाँ इन फंड्स में, में मेरा पैसा बनता है तब तक हम उनको जोखिम भरे फंड पर सलाह नहीं देते कि वो इससे प्रारंभ करें जी इंश्योरेंस की जहाँ तक बात आपने की इंश्योरेंस में उनको किस टाइप के फंड्स लेना चाहिए क्या है तो देखिए इंश्योरेंस में हम प्रोडक्ट की बात ना करते हुए उसको कितना इंश्योरेंस उसके लिए लेना चाहिए वह डिपेंड करता है कि उसकी आय कितनी है उस आय का 200 गुना मासिक आय का 200 गुना उसको लाइफ कवर होना चाहिए भले किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से उसका इस बारे कवर में हम जो है विस्तार से आगे जी, चर्चा जी, करेंगे जी, 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 जी. यहाँ पर जो है ये तय हो गया कि अगर आप निवेश करते हैं हुँ. तो आपका कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए जी. और अगर आपने बिल्कुल आरंभ किया है अभी से तो आपको उन स्कीम्स में निवेश करना चाहिए जहाँ पर जोखिम कम हो कम हो और धीरे धीरे जब आप फिर समझ समझने लगे तब जो है अपने निवेश को अलग अलग स्कीम्स में बढ़ाए नंदन सर एक बात आती है आ, कि अगर हम आ, निवेश आ, ये टैक्स फाइलिंग करने जाते हैं तो आजकल जो है क्या हुआ है कि गूगल से या नेट के थ्रू जो है सभी लोग इ, इस बात को अच्छी तरीके से समझने लगे कि हम किस तरह से खुद ही कर सकते हैं जी तो जब हम खुद से आयकर भरने जाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए सर आयकर का जो विवरणी है जो इनकम टैक्स रिटर्न कहलाया जाता है वो व्यक्ति खुद से भर सकता है आयकर विभाग ने बहुत सरल कर दिया है प्रक्रिया को खास करके सैलरीड लोगों के लिए बहुत सारी जो फील्ड है कॉलम्स हैं वो जानकारी प्रीफिल्ड आ जाती है जहां पे आप नौकरी करते हैं आपका कितना टीडीएस कटा है कितने आपको अलाउंसेस मिले हैं ये सब जानकारी पहले से भरी हुई आ जाती है लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे वो खुद रिटर्न भरे या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी सलाहकार की मदद से रिटर्न भरे बहुत जरूरी है कि वो कुछ दस्तावेजों का ध्यान रखे जैसे वो फॉर्म सोलह अपने एम्प्लॉयर से ले यदि उसका अगर वो सैलरीड है।, है तो फॉर्म सोलह की कॉपी ले उसके बाद हर आयकर दाता जो है वो अपने पोर्टल पे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकता है एक और फॉर्म होता है ट्वेंटी सिक्स ए एस जी इस फॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिन पे स्त्रोत पर कर की कटौती की गई है जिसको टीडीएस बोला जाता है तो कहां, कहां से उसकी इनकम हुई है कितना टी डी एस कटा है वो फॉर्म उसे जरूर उस देखना सारी चाहिए सारी जो जाने अनजाने में कई कई है है बार ऐसा होता कैप्चर हाँ, बिल्कुल और इससे ले भी ज्यादा एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट अभी कुछ वर्षों से गवर्नमेंट ने डेटा पे बहुत बढ़िया काम किया है और ए आई एस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नाम की एक ऑनलाइन स्टेटमेंट अवेलेबल होती है उसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है आपने म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया शेयर मार्केट में आपने कितने रुपए के शेयर्स बेचे खरीदे ये सब जानकारी भी उसमें होती है तो हर व्यक्ति को इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के फिर आगे अपना रिटर्न भरना चाहिए खुद भरें किसी से भरवाएं ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भरे वो इंपॉर्टेंट नहीं ये जानकारी है बट ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है जानकारी कई बार क्या रहता है कि आ, अल्प ज्ञान जो है वो घातक हो जाता है हानिकारक हो सकता <laughs> है बिल्कुल तो इसलिए जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट नॉलेज लेकर के जो है अगर वो भर रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा बिल्कुल प्रदीप रावत जी कई बार म्यूचुअल फंड और स्टॉक शेयर्स को लेकर के मतलब लोगों का ये धारणा है कि म्यूचुअल फंड बोले तो स्टॉक मार्केट अब अगर म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करता हूँ तो स्टॉक मार्केट में पैसा चला जाता है जी. और स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारे लोग हाथ जला चुके हैं जी. तो उनकी ये फीलिंग रहती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश जो है वो मार्केट के अधीन है हुँ. और यहाँ पर मेरा निवेश जो है घट सकता है जी. या मेरा निवेश जो है नेगेटिव हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है उनको क्या समझाइश देंगे हमारे दर्शकों देखिए सर ऐसा है म्यूचुअल फंड और स्टॉक। हम प्रश्न आ, अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं नंद स्वरूप जी बाराबंकी से नंद स्वरूप जी नमस्कार नंद स्वरूप जी नमस्कार आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी है, तो पुराने जाना चाहिए नए में ऐसी कोई योजना है जिसमें अधिक लाभ मिल सके निवेश में निवेश में एक बार प्रश्न अपना फिर से रिपीट करेंगे नंसवरूप जी मैं जाना यह चाहता हूँ कि पुराना वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो नया चालू होने वाला है। जी पता तो में में निवेश करना चाहिए जो तो है हमको अच्छा लाभ मिल सके अच्छा अच्छा इनका प्रश्न नंदन सर आपसे है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है हालांकि आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जी जी तो इनका ऑब्लिगेशन क्या है कि नया ये वर्ष समाप्त होने वाला है बिल्कुल तो ये शायद डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे नए में जाना चाहिए या पुराने में जाना चाहिए हाँ बिल्कुल सर देखिए इकतीस मार्च को जो वित्तीय वर्ष जो है तेईस चौबीस उसकी समाप्ति हो जाएगी लग, दो दिन का समय हमारे पास शेष है तो यदि वो ओल्ड रेजिंग में ही रहना चाहते हैं और उसके हिसाब से उन्हें अगर निवेश करना है तो जैसा कि अभी रावत सर ने ही बताया उनके पास ऑप्शन है इक्विटी लिंक् सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंकों में टैक्स सेविंग एफडीज़ डीज हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि उनका पीपीएफ अकाउंट खुला है तो पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं काफी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है केंद्र सरकार के पास ही पैसा रहता है वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है एनपीएस इज अ वेरी बहुत ही बढ़िया माध्यम है इन्वेस्टमेंट का क्योंकि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नाम की जो चीज है वो एनपीएस के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वो उपलब्ध कराई गई है तो एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं लेकिन यदि उद्देश्य कर की छूट लेना नहीं है तो तो फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर तो म्यूचुअल फंड में भी वो किसी अच्छे फंड में लगाएं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा चला आ रहा हाँ। है किसी सलाहकार से सलाह लेके अच्छे फंड में निवेश करें जी ने ये भी नहीं बताया कि उनकी आय कितनी है बिल्कुल सही बात है ये जो फैसले रहेंगे ओल्ड और न्यू रेजिम पे भी इस पे डिपेंड करेंगे और उनकी आय कितनी है और अभी तक वो कितना निवेश कर निवेश चुके हैं उस पे भी ये चीज हाँ, रहे उनकी आय जो है सात लाख से कम है जी तो उन्हें मैं समझता हूं कि न्यू ही ऑप्ट कर लेना चाहिए बिल्कुल उनके ऊपर कोई आयकर जिम्मेदारी नहीं और वो फिर जी पूर्ण स्वतंत्र रूप से कहीं भी अच्छी जगह जहाँ उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है फिर वो वहां निवेश करें केवल आयकर बचाने के लिए बिल्कुल सही बात जी सर तो चलिए प्रदीप सर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट जो सभी की आम धारणा थी कि स्टॉक मार्केट में ही म्यूचुअल फंड निवेश करता है जी तो उसी को आ, कैसे हम समझें मैं आपको इस मामले में ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी खुद की समझ खुद का व्यवहार खुद का डिसीजन होता है कि मुझे अमुख कंपनी का शेयर लेना है इस भाव में लेना है इतने दिनों तक रखना है और इस भाव में बेच देना है ये उनकी समझ है उनकी रिस्क है परंतु म्यूचुअल फंड में एक जब निवेश कोई व्यक्ति करते हैं कोई भी निवेशक निवेश करेंगे तो उनके पास एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस एम का उस फंड का मिलता है वो भी स्टॉक मार्केट में ही फंड मैनेजर निवेश करते हैं बट वो जिस टाइप का फंड का बिहेवियर है नेचर है या नाम कहा गया है जैसे कहने के लिए लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड तो उस फंड की कंपनियों में वो डाइवर्सिफाई अलग अलग तरीक़ों से निवेश कर कर हमारे रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं और वो अपने तरीके से कहाँ से किस फंड में चेंज करना है वो फंड मैनेजर प्रोफेशनल तरीके से चेंज करते हैं तो जैसे एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट एक होता है पैसिव तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट है और शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट एक्टिव इन्वेस्टमेंट है ये मेरा कहना है बहुत अच्छी बात तो आ, नंदन सर अब मेरा प्रश्न आपसे है कई बार क्या रहता है कि निवेश जैसे कि अपन ने निवेश किया आगे चल करके निवेश को हम बेचते भी हैं जी तो, तो निवेश बेचने पर हमें किस तरह की टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताया जी सर निवेश बेचते समय जो टैक्स टैक्सलिटी आएगी वो डिपेंड करेगी इस बात पे कि हमने निवेश किस चीज में किया है जी। जैसे हम एग्जांपल लें अगर म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल लें तो म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेबिलिटी में पिछले एक वर्ष में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है इसके पहले केवल डेट और इक्विटी दो प्रकार से उनको क्लासिफाई कर देते थे अब वो क्लासिफिकेशन जो और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है मैं आपको एग्जाम्पल दू कि अगर हमने म्यूचुअल फंड को बेचा तो जब हम म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो हमें देखना होगा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है oh. यदि वो शॉर्ट टर्म है तो हमारे स्लैब में भी जुड़ सकता है पंद्रह wow. परसेंट से भी टैक्सेबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फंड किस प्रकार का है जी. यदि लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी फंड्स में एक लाख रुपए तक का जो मुनाफा होता है वो टैक्स फ्री होता है हुँ. और एक लाख के मुनाफे के ऊपर दस प्रतिशत के हिसाब से आयकर लगता है हुँ. तो म्यूचुअल फंड में ये रहता है यदि हुँ. मैं पीपीएफ की बात करूं पीपीएफ जब मैच्योर होकर मिलता है तो वो पूर्णतः टैक्स फ्री होता है एनपीएस की यदि हम बात करें तो 40 प्रतिशत तक जो फंड एक्यूमुलेटेड एनपीएस में वो टैक्स फ्री होता है उसके ऊपर अगर आपने विड्रॉ किया हाँ, तो वो टैक्सेबल तो तो हो जाता हाँ, है हाँ, तो एनपीएस की जो टैक्सेबिलिटी अलग प्रकार से होती है तो इस प्रकार से क्या अगर हमने सोने में निवेश किया गोल्ड में निवेश किया हाँ, वो बेचेंगे तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और उसमें बीस के हिसाब से टैक्स तो लगता है तो बेचते समय जो भी टैक्सेबिलिटी आएगी वो टाइप ऑफ अट के ऊपर डिपेंड करेगी और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं के के हो, हो, हो सकता है आज से पांच साल बाद कोई व्यक्ति बेचे <laughs> तो, हाँ। तो उस समय जो भी कानून की धारा और प्रावधान है उनके हिसाब से टैक्स क्रिएट होगी जी चलिए तो अभी मेरा प्रश्न जो है प्रदीप सर आपसे है कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया अब कोई एक आम व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का जो है ध्यान में रख करके म्यूचुअल फंड को चयनित करना चाहिए देखिए तो वहां पर जो है जैसे फंड मैनेजर के बारे में जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है या उसको उस पोर्टफोलियो

अगर समय के अनुसार हम देखेंगे कि अगर उनका समय शॉर्ट टर्म का है तो म्यूचुअल फंड्स के वो ऑप्शन पे जाए जहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड में निवेश किया जाना चाहिए तो उनका नुकसान नहीं होगा क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव का जो है असर परंतु यदि किसी फंड में आपका लॉन्ग टर्म गोल है लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन ये हुआ कि मोर देन थ्री ईयर अब आपका गोल तीन साल से अधिक का है तो हम बात करेंगे कि आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड्स में आपको अपना निवेश करना चाहिए वैसे तो निवेश एक जगह ना कर विभिन्न विभिन्न स्कीमों के तहत हमको डायवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए और जो समय समय की अवधि के अनुसार अलग अलग फंड का चयन करना चाहिए तो हम एक हर बात को ऐसा नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर इस फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बनेगा नहीं मार्केट मतलब मुख्यतः एक निवेशक को जो नया निवेशक है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितने समय के लिए वो निवेश कर रहा है अगर वो लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है तो उसको इक्विटी फंड या और भी जो सेक्टोरियल फंड्स हैं उसमें निवेश करना चाहिए और अगर वो कम समय के लिए निवेश कर रहा है तो उसे डेट जैसे ऑप्शंस करने चाहिए, देट फंड, देट। हमारे यहाँ निवेश के दो तरीके हैं एक डायरेक्ट निवेश करते हैं हमारे जो डायरेक्ट निवेशक है वो केवल रिटर्न को कैलकुलेट कर निवेश कर जाते हैं जब बाजार बढ़ता है तो निवेशकों की संख्या डायरेक्ट वालों की बढ़ जाती है और जब बाजार टूटता है तो निवेशक एग्जिट आवश्यक है है तो इस टाइप से निवेश हमको करना चाहिए जी नंदन सर अब मेरा प्रश्न एक, <coughs> एक लंबे समय का निवेशक प्लान करके इक्विटी में निवेश कर देता है लेकिन उसको ये एकदम से लगता है कि मार्केट में अभी कुछ वो असमानता स्थिति बनी हुई है यहाँ पर मार्केट नीचे भी जा सकता है और वो अपने फंड में से स्विच कर जाता है किस तरह से टैक्स का आकलन किया जाएगा सर यदि कोई निवेशक जो है म्यूचुअल फंड में स्कीम स्विच करता है तो वो जिस दिन स्विच करता है उस दिन के एनएवी के हिसाब से अपनी यूनिट्स को बेचता है और नई यूनिट्स को वो खरीदता है तो जिस दिन उसने अपनी एनएवी बेची उस दिन उसका होल्डिंग पीरियड उन यूनिट्स का क्या आ रहा है यदि वो इक्विटी फंड है और एक साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रावधान लगेंगे एक साल से ऊपर चला गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रावधान लगेंगे और उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा या तो 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत या फिर फंड कैसा था डेट फंड था हाइब्रिड फंड था उसके हिसाब से तो जब भी हम स्विच करते हैं जिस दिन स्विच करते हैं वो दिन ये निर्धारित करता है कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उस बेस पर डिसाइड होता है कई लोगों को ऐसा लगता है मैंने म्यूचुअल फंड नहीं बेचा अभी मैंने तो स्विच किया तो लग रहा है तो मुझ पर टैक्स क्यों लग रहा है लेकिन ये निवेशकों को और करदाताओं को पता होना जरूरी है कि स्विच में भी आप एक फंड को बेच के दूसरा फंड खरीद रहे हैं तो उस समय पे आपकी टैक्स एबिलिटी आएगी और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है जिसका भी आपने जिक्र किया ये ट्रांजैक्शन जो ए होती है हाँ। जो साल के अंत में करदाताओं के लिए उपलब्ध होती है डाउनलोड के लिए और व्यू करने के लिए हाँ। उसमें ये चीजें रिकॉर्ड होती है कि आपने कितनी एन कितनी यूनिट कब खरीदी कब बेची इसलिए करदाताओं को अपने फंड हाउस और अपने सलाहकार से कैपिटल गेन स्टेटमेंट मांगना चाहिए ए आई एस से उसे मैच करें और उसके बाद ही अपना आयकर विवरणी में, में उसकी जानकारी, जानकारी दे।, दे।, दे यदि कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रही है तो उसको भरें बिल्कुल अन्यथा फिर नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है आयकर नोटिस से बचने के लिए आपको जो है सही जानकारी सही जानकारी, कर, जानकारी। आकलन करके जो है टैक्स लाइबिलिटी करनी चाहिए मेरा प्रश्न प्रदीप सर आपसे है कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो रिटायर होने के करीब रहता है या वो ये चाहता है कि मुझे एक रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे दे, दे। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे कोई ऑप्शन है जहाँ पर वो निवेश करके एक नियमित आय प्राप्त कर सके और वो किस एज में ये चीज़ आरंभ करे देखिए जब वो रिटायर्ड हो जाता है व्यक्ति तो उसके पास कोई फंड एक मुस्त मिलता है उस फंड को म्यूचुअल फंड के उस तरह की स्कीमों में माना कि उनको प्रति माह एक आय चाहिए उस निवेश पर या प्रति तीन माह में आए चाहिए उस निवेश पर या प्रति छः माह में या प्रति वर्ष तो उसके लिए बहुत से ऐसे फंड बैलेंस एडवांटेज फंड हैं हाइब्रिड फंड हैं लार्ज कैप फंड है, है।, है। उनमें एस डब्ल्यू पी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के माध्यम से वो जो रिटर्न्स एक औसत बन रहा है उस औसत रिटर्न्स के अंदर-अंदर वो अपना विड्रॉल लेकर अपनी उस आ, खर्चे उस उद्देश्य को पूरा कर सकता exactly. है एग्जैक्टली एक मतलब रेगुलर आईबी उसको मिल जाएगी और उसकी जरूरतें भी पूरी उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है सर जी बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं आप दोनों का और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं नंदन सर आपसे जी सर देखिए क्या रहता है कि एक सैलरी क्लास को एच करके जो है उनको एक हेड के तहत जी एम्प्लॉयर से एक आ, सपोर्ट मिलता है एक राशि मिलती है बिल्कुल तो उसकी गणना किस तरह से करें और टैक्स लाइबिलिटी में हम उसे किस तरह से समझें बिल्कुल सर जिन भी एम्प्लॉय को उनके एम्प्लॉयर के द्वारा हाउस रेंट अलाउंस जिसको एचआरए बोलते हैं या हम बोलें कि किराए पे घर लेके रहने के लिए भत्ता मिलता है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो एम्प्लॉयज समय पे अपने एम्प्लॉयर के पास में जो रेंट की रिसीट हैं उसकी कॉपीज़ जो हैं समय समय पे एचआर डिपार्टमेंट यदि प्राइवेट कंपनी में है या यदि किसी सरकारी विभाग में है तो जो डी होता है उसके पास वो समय समय पर देते रहें जैसे जैसे किराया दे रहे हैं उसकी जानकारी दें उसके बेसिस पे उसमें तीन फिगर कैलकुलेट की जाती हैं आपने कितना किराया दिया आपकी तनख्वाह कितनी थी आपकी बेसिक सैलरी का दस प्रतिशत और आप किस शहर में रहते हैं उसके आधार पे गणना की जाती है और जो कम वैल्यू आती है तीनों में उतने का आपको केवल डिडक्शन मिलता है, है। यह जरूरी नहीं है कि आपको जितना एच मिला है पूरे का डिडक्शन मिले मैक्सिमम डिडक्शन उतना मिल सकता है जितना आपको एच आर लेकिन उससे कम भी आपको मिल सकता है डिपेंड करता है आपकी बेसिक कितनी है आप किस शहर में रहते हैं और आप कितना रेंट देते हैं इस पर निर्भर करेगा जी। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको एच नहीं मिलता है तो भी एक आयकर में धारा है ओल्ड स्कीम वालों के लिए 80 जीजी उसका नाम है उसमें भी साठ हजार तक की मैक्सिमम छूट उपलब्ध है उसका भी फायदा जो है वो हमारे करदाता उठा सकते हैं जी ये तो उन व्यक्तियों के लिए हो गया जिनको सैलरी में एच मिलता है जी लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोन पर घर लेकर के रखा है जी उनको किस तरह से डिडक्शन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या कितनी डिडक्शन उनको मिल सकती है जी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो लोन की जो वापसी होती है वो बैंक में या एन में जो की जाती है वो ई के माध्यम से की जाती है ई के दो भाग होते हैं एक होता है मूल की वापसी एक होता है ब्याज, ब्याज की, की वापसी, वापसी। मूल यानी प्रिंसिपल ब्याज यानी इंटरेस्ट जो मूल की वापसी है वो धारा एट्टी सी जो है उसी में जो बहुत सारे निवेश के ऑप्शन है उनमें से ही एक छूट जो है हाउसिंग लोन के मूल की वापसी की है। अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेकर के रखा है और उसपे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको दे रहा है वो जी वो एटीसी के तहत उसको क्लेम कर सकता है तो क्या उसे दूसरे ऑप्शन में जाकर के निवेश करने की जरूरत नहीं है एटीसी में वो मूल को क्लेम कर सकता आ, है मूल हाँ जी हाँ। और ब्याज को भी वो दो लाख रुपए तक मैक्सिमम जो है क्लेम क्लेम कर सकता है तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरे ऑप्शन जो हैं, उनको अगर ना ले तो भी चलेगा? यदि उसके मूल की वापसी कर बचाने के लिए निवेश करने की आवश्यकता नहीं, नहीं है वो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ सकता है जहाँ पे उसको बेटर रिटर्न मिले चाहे वो बाजार संबंधित हो म्यूचुअल फंड हो स्टॉक मार्केट हो या डेट संबंधित हो या जैसे फिजिकल एसेट्स के आजकल सिक्योरिटाइज रूप आ गए हैं गोल्ड बॉन्ड्स बड़े पॉपुलर हो गए हैं इस प्रकार से वो खुद निर्णय ले जी, सकता जी। है और अगर उसके पास अधिक राशि आ जाती है उस वित्तीय वर्ष में जी। और वो अधिक जमा करता है तो क्या छूट बिल्कुल निर्धारित लिमिट तक ही मिलेगी या ज्यादा जमा कर देने पर ज्यादा छूट मिल सकती है यदि हम अपने हाउसिंग लोन का पार्ट क्लोजर या फोर क्लोजर करते हैं या पार्ट में कोई लंबी चौड़ी राशि जमा कर देते हैं उस केस में वो जो राशि जाती है वो मूल में जाती है तो मूल की सीमा डेढ़ लाख निर्धारित है अब यदि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका मूल का रीपेमेंट ई के माध्यम से था पचास हजार का लेकिन आपने लमसम पैसा अपने हाउसिंग लोन अकाउंट में डाला पांच लाख रुपए

बातें समझ ली लेकिन कई बार जब हम घर लेने जाते हैं तो वहाँ पर आजकल बैंकों में ये निश्चित कर दिया जाता है सुनिश्चित किया जाता है कि आप इंश्योरेंस भी लें तो इंश्योरेंस की उपयोगिता सबसे एक आम आम भाषा में व्यक्ति के लिए किस तरह से हम समझें कि इंश्योरेंस क्यों कहा जाता है कि लें वहाँ पर हाँ क्यों फोर्सफुली कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस लें इसलिए कहा जाता है सर हाउस लोन माना कि किसी ने पच्चीस लाख रुपये मकान पचास लाख रुपये हाउस लोन लिया अब पचास लाख रुपये का ई जो बनेगा वो ई बनेगा तो तकरीबन दस से पंद्रह हज़ार रुपये या पच्चीस हज़ार रुपये बता पचास लाख पर लिया तो अब पच्चीस हज़ार रुपये की ई करते करते उनके सात माह गुजर गए और आठवें माह कोई ऐसी घटना दुर्घटना जिन्होंने लोन लिया है उसके जीवन पर हो गई तो आने वाली जो आगे समय की ई है वो कैसे रिकवर करेगी इंस्टीट्यूट जो जिन्होंने हाउस लोन दिया है उसको रीपे करने के लिए इंश्योरेंस के लिए फोर्स किया जाता है कवर किया जाता है इसको जिस तो दर्शक ये बात जो है नोट करें या समझने की कोशिश करिएगा कि वहां पे जो आपको कंपेल किया जाता है इंश्योरेंस वो आपकी ही सुरक्षा है वहां पर जो है आपको ये आ, एहसास दिलाया जाता है कि आपके न रहने पर आपके घर परिवार को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। वो लो, आ, लोन की राशि रिकवर कर ली जाएगी इंश्योरेंस से जी। और घर जो है फ्री हो जाएगा आपके परिवार के पर लिए जी जी। आपके आगे के नॉमिनीज के लिए तो वहां पर, पर जो है आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने पर आने वाली जनरेशन की भी सुरक्षा कर देते हैं साथ ही साथ लोन की लाइबिलिटी से भी मुक्त हो जाते हैं जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से बच जाते हैं तो एक तरीके से जो है ये आपके लिए दोनों तरफ विन विन वाली सिचुएशन है बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तो ये अच्छी बात है कई बार जो है हम लोग इस तरह की चीजों को ये सोच लेते हैं कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पे इम्पोज कर रहा है लेकिन वो इम्पोज करना भी कई बार अच्छा है बिल्कुल ठीक आपके लिए जो है हितकारी है कि कहीं ना कहीं से जो है आप अपनी जो लाइबिलिटी है अपने न रहने पर अपने ऑन गोइंग जो नॉमिनीज हैं उनको बेनिफिट देने के लिए दिखुण। 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 तो बहुत अच्छी बात है तो अब हम नंदन सर आपसे पूछेंगे बेसिकली क्या रहता है कि आप टैक्स लाइबिलिटी जी। का कंप्यूटेशन तो आपने ओल्ड रिजिम में बता दिया जी जी न्यू रिजीम में आपने कहा कि सात लाख रुपए से अगर कम की आय है तो न्यू रिजिम में जाए अब यहाँ पर जो एक शब्द आपने कहा था कि न्यू रिजिम में टैक्स की स्लैब परसेंटेज वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड ओल्ड लेकिन जी। छूट भी है। जी। में कम है, लेकिन छूट नहीं है। तो वो के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके से। जी सर। जी। आ, में तीन लाख पे टैक्स के जो स्लैब हैं वो बदलते जाते हैं और जबकि ओल्ड रेजीम में ऐसा नहीं था तो न्यू रजीम में शून्य से लेकर तीन लाख रुपए तक की आय पे आपकी कोई भी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है फिर तीन से छः लाख पे पाँच प्रतिशत आ जाएगा छः से नौ लाख पे दस प्रतिशत नौ से बारह लाख पे पंद्रह बारह से पंद्रह पे बीस और उसके बाद फिर तीस प्रतिशत आती है तो पंद्रह लाख के ऊपर जिनकी आय होती है उनके ऊपर तीस प्रतिशत की आयकर की लाइबिलिटी आती है जबकि ओल्ड एजीम में ऐसा है कि यदि आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं तो पहले ढाई लाख तक आपको टैक्स की छूट मिलती है ढाई से पाँच लाख पे पाँच प्रतिशत है पाँच से फिर दस लाख तक बीस प्रतिशत है दस प्रतिशत का अब कोई स्लैब नहीं है स्लैब और नहीं फिर नहीं। दस लाख के ऊपर अचानक से तीस प्रतिशत आ जाती है ये ओल्ड है लेकिन न्यू रेजी और ओल्ड में एक और धारा है ए इसका बेनिफिट जो है है वो चाहे आप ओल्ड में रहे या में या न्यू दोनों को मिलता और ये धारा है बोलती है कि यदि आपकी इनकम सात लाख तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जैसे इनकम सात लाख पार करेगी तो स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगने लगेगा तो पिछला जो वित्तीय वर्ष था बाईस तेईस उसमें ये बेनिफिट पांच लाख तक की आय तक मिलता था लेकिन जो तेईस चौबीस जो वित्तीय वर्ष है जो इकतीस मार्च को समाप्त होने वाला है जिसके रिटर्न्स एक अप्रैल के बाद लगेंगे उसमें ये लिमिट बढ़ा के अब सात लाख है तो प्रैक्टिकली सात लाख तक की जिसकी आय है वो ओल्ड में रहे या न्यू में रहे उसको भारत देश में कोई टैक्स नहीं देना है लेकिन सात लाख के ऊपर उसको समझदारी के साथ अपने डिडक्शन और अपने इनकम को समझते हुए ये फैसला लेना जरूरी है कि उसको ओल्ड में रहना है या न्यू स्कीम में रहना। जाना है जी। बहुत अच्छी बात है तो ये जो है टैक्स लाइबिलिटी समझने के बाद कई बार हम अपनी प्रदीप सर मेरा प्रश्न आपसे होगा कि कई बार हम अपनी आय के हिसाब से कितना निवेश करना चाहिए और कितना हमें बचत करना चाहिए उसका क्या प्रोपोर्शन रखें जिससे हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकें साब इस मामले में सर अपने मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एडम इसमें जो फादर ऑफ़ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने सिद्धांत बनाया था कि आपकी जो अगर आय सौ रुपये है तो आपको साठ रुपये अपने रोज़मर्रा के जीवन में खर्च करना चाहिए और चालीस रुपये आपको बचत करना चाहिए तो सिक्सटी फोर्टी का रेशो है जिसे हम खर्च जरूरतमंद खर्च और बचत में बांट सकते हैं अब चालीस रुपये के जो भाग को बताया गया है उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स में हमें बचत करना चाहिए जैसे कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ है उसको आपको इंश्योरेंस के अनुसार उसकी प्रीमियम को दे के कवर करना चाहिए आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है तो हमको उस रिटायरमेंट प्लानिंग में इतने कॉरपोरस की आवश्यकता है इतने साल बाद तो उस कॉरपोरस को अगर बीच में आप नहीं रहे तो कैसे पूर्ण किया जाए उसमें इंश्योरेंस उसमें भी कवर लेना चाहिए परंतु साथ ही साथ महंगाई दर को देखते हुए हमें इन्फ्लेशन को देखते हुए ऐसा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो उस गोल को फुलफ़िल करे तो व्यक्ति को जो 40 परसेंट अपना बचत का बताया गया है उसमें कुछ प्रतिशत हमारे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स अपना ई गोल्ड रियल एस्टेट इन सभी का मिश्रण मतलब बचत का है? एक जी, जी, होना चाहिए जी, निवेश जी, हमारा होना, होना चाहिए जी, जी, जिससे किसी भी सेक्टर में अगर लाभ मिल रहा है तो हम खाली ना बैठे रहे कुछ ना कुछ हमें लाभ प्राप्त हो जी 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 जी, जी 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 बहुत जी, अच्छी बात है अब नंदन सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार हम निवेश ये टैक्स फाइल करते समय

सैलरीड एम्प्लॉय के हिसाब से हाँ, पहले बताना चाहूंगा क्योंकि जी बिल्कुल तो सैलरीड एम्प्लॉय को सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयर से अभी जैसे ही एक अप्रैल के बाद उनके एम्प्लॉयर अपने टीडीएस के रिटर्न्स फाइल कर देंगे तो उनसे फॉर्म सोलह डिमांड करना चाहिए फॉर्म सोलह में कितना टी डिडक्ट हुआ है वो भी जानकारी मिल जाती है कौन कौन से मतों में कितना अलाउंसेस मिले हैं Hmm. क्या एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्शन लिया गया अभी आपने एच की बात करी थी hmm. तो कौन सा डिडक्शन का बेनिफिट एम्प्लॉय hmm. hmm. को दिया गया है वो सब जानकारी मिलती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया हमारा फॉर्म सोलह फॉर्म सोलह के बाद यदि उस व्यक्ति का किसी भी और बैंक में या एनबीएफसी में डेट फॉर्म में कोई निवेश है फॉर एग्जाम्पल एफ है hmm. तो वहां से फॉर्म सोलह ए भी ले फॉर्म सोलह ए लेने से भी आपके पास एक क्लैरिटी आती है आपको साल भर में ब्याज कितना मिला और उस ब्याज पे आपका कर कितना, कर कितना। इसके बाद कर तो की जी, कर जी, जी, जी। जी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज जो कई बार ध्यान से लोग निकल जाती है वो होता है हमारा खुद ही का बैंक स्टेटमेंट <laughs> आयकर दाता का बैंक स्टेटमेंट हो सकता है सैलरी के अलावा ब्याज के अलावा कहीं और कोई और इनकम जो साल भर के दौरान भूल गया हो तीन हाँ। दिन बहुत लंबा समय होता है तो एक बार बैंक स्टेटमेंट को भी वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद जरूर देखना चाहिए चेक करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही है जो मैं भूल गया उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना है, रखना भूल गया वो भी जरूर देखें और फिर जो डाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है जिसमें आता है फॉर्म छब्बीस एस और ए आई एस ये कम से कम करना जरूरी है इसके अलावा फिर जो हमने ए सी में जो इन्वेस्टमेंट करे हैं उसके निवेश की एक एक कॉपी जरूर देखें कि क्या हमारे एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में पूरे निवेश की जानकारी ली है या नहीं ली है कुछ प्रकार के डिडक्शन यदि फॉर्म 16 में लेने छूट भी गए हैं तो भी आयकर के अधिनियम उसे परमिट करता है कि हम रिटर्न भरते समय वो डिडक्शन को क्लेम कर करें एक और डिडक्शन जिसके बारे में हमारा बात करना रह गया काफी सारे लोग आजकल जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSR तो जी लोग खुद भी समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए अलग अलग संस्थाओं को डोनेशन करते देते हैं, हैं। तो यदि आपने कोई डोनेशन दिया भले छोटा सा अमाउंट हो हाँ। उसकी रसीद संभाल के रखिए और वो भी आपको रसीद की आवश्यकता पड़ेगी रिटर्न भरते समय क्योंकि हाँ। उसमें आपने जिस संस्था को डोनेशन दिया उसके पैन की जानकारी उसका पता उसका नाम जी जी एट्टी जी जो सेक्शन है उसमें काफी सारी जानकारी आपको अपने आयकर विवरणी में डालनी होती है

सर वो सी एस आर का खर्चा करने के खर्चा लिए। करने के लेकिन लिए। उनके पास डेडिकेटेड टीम होती है अकाउंटेंट्स की सी ए की वो ऑडिट के वो तो एक अलग बात होगी लेकिन जी। अगर हम बात करें कि हम सैलरी ने तो हमारी कोई लिमिट है क्या कि हम इतने तक जो है इसके तहत डोनेशन दे सकते हैं या हम किसी भी सीमा जो आय होती है उसका दस प्रतिशत तक जो है, वो हम ऐसी को डोनेट कर सकते हैं जिससे चाहते, चाहते। है। कुछ संस्थाओं में जो आप डोनेट करते हैं आप कितना भी अमाउंट कर सकते हैं हाँ। कुछ संस्थाओं की एक लिस्ट है उसमें आप अपनी आय का दस प्रतिशत करेंगे लेकिन जितना डोनेट करेंगे पूरे अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आप आय का दस प्रतिशत करेंगे लेकिन जितना डोनेट करा उसके केवल 50 प्रतिशत का आपको आयकर में छूट मिलती है तो सरकार ने अलग अलग धाराओं के अंतर्गत अलग अलग, अलग, -अलग संस्थाओं की, की एक लिस्ट दी जी, जी कुछ में तो 125 तक का भी नहीं है एक अलग प्रावधान में ये जो है हमने जो डिस्कस किया ये एक सैलरीड व्यक्ति के लिए हुआ जिसकी आय के कुछ निर्धारित स्रोत हैं निर्धारित स्रोत लेकिन एक छोटा सा बिजनेसमैन है जिसके आय के स्रोत जो है उसको खुद ही नहीं पता रहता जी, कि, जी, कि कई बार अलग अलग ऐसी विधाओं से उसको जो है आय प्राप्त हो जाती जी, है जी, वो किस प्रकार की चेकलिस्ट तैयार करे या वो किस तरह से निर्धारित करे टैक्स फाइल करते समय जी सर छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने एक ऑप्शन दी हुई है एक सेक्शन होता है फोर्टी फोर्टी फोर एडी एक प्रिजेंटिव टैक्सेशन की स्कीम होती है जिसमें सरकार ने ये बोला है कि यदि आपकी जो बिजनेस का जो टर्न है सालाना जो आपने जितने रुपए की वस्तुएं या माल बेचा है वो कुछ निर्धारित सीमाओं के नीचे है तो आपको केवल डिक्लेयर करना है कि उसका आठ प्रतिशत या छः प्रतिशत okay. दो उसमें ऑप्शन है इतना आपका मुनाफा हुआ है और आपको अपना पूरा लेखा जोखा नहीं तैयार करवाना किसी सीए से आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है तो छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने आयकर में यह ऑप्शन दिया है और ऐसी जीएसटी में भी कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन छोटे व्यापारियों के लिए उनको भी ज्यादा हिसाब किताब नहीं देना क्वार्टरली बेसिस पे कंपोजिशन स्कीम पे जीएसटी मतलब भर सकते हैं ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि हमारी टैक्स फाइलिंग uh, जो व्यवस्था है वो बड़ी सरल होती जा रही है जी कॉम्प्लीकेशन थे पहले जो है मैं देखता था उसके आधार पर अब जो है काफी सहूलियतें और बड़ी सरलता के साथ जो है टैक्स फाइलिंग कर पा रहे हैं और इसमें मुख्य योगदान जो है वो टेक्नोलॉजी का है जी गवर्नमेंट ने ऐसी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इंक्लूड कर लिया है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन की जानकारी गवर्नमेंट के पास भी है आपके पास भी है तो आपको वो मैच करते हुए चलना है कि कितनी ट्रांजेक्शन आपने बिजनेस में करी है उसके बेसिस पे आपको रिटर्न भरना है जी लेकिन अगर आप मुझे एक मिनट और दें तो चाहे दे। व्यापारी हो चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो आयकर में पांच मत होते हैं इनकम के तो एक तो सैलरी हो गया और एक बिजनेस हो गया इसके अलावा भी तीन मत होते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी हेड है एक अदर सोर्सेज है और एक कैपिटल गेन है अब चाहे व्यापारी हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो हो हो, सकता है उनकी इन तीन मतों में भी कोई आय सकती जी, जी जी जैसे तो मैं बस बात व्यापारी करूं। के लिए ये है कि सैलरीड इनकम नहीं होगी अमूमन नहीं होती और अमूमन सैलरीड वाले के लिए व्यापार की नहीं होती लेकिन इन दोनों के लिए बाकी तीनों हेड्स की इनकम होने की संभावना काफी होती है जी तो इन सब चेक लिस्टों से के थ्रू जो है आप अपने टैक्स फाइल करें और नोटिस से बचें किसी भी तरह के पत्र व्यवहार से क्योंकि आईटीआर के पत्र व्यवहार जो है हमारे दिल के धड़कनों को बढ़ा देते हैं तो आप इनसे बचिए चलिए अब मेरा प्रश्न जो है प्रदीप रावत सर आपसे बता कि निवेश करते समय क्योंकि देखिए ये तो बातें आपने म्यूचुअल फंड और भी अलग अलग जैसे स्टॉक में या रियल एस्टेट में गोल्ड एफ सब में जो है आपने निवेश बताया एक इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है कि एक व्यक्ति अगर इंश्योरेंस में निवेश नहीं करता तो कई बार इस तरह की प्लानिंग जो उसने अलग अलग निवेश करके रखे हैं अब आकस्मिक किसी भी दुर्घटना हो जाने पर ये सारे निवेश जो है बिल्कुल डगमगा जाते हैं ठीक तो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमें इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए उसके बारे में आप विस्तार से बताएं सर एक तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा इस बात को फोकस लाना चाहूँगा कि इंश्योरेंस निवेश नहीं है इंश्योरेंस हमारी गोल को फुलफिल करने की एक इंस्ट्रूमेंट है माध्यम, माध्यम है जी। इन्वेस्ट निवेश उसको कहेंगे जो महंगाई दर से ऊपर का रिटर्न देता है वह निवेश है जो महंगाई दर से नीचे का अगर प्रावधान करके रिटर्न दे रहे हैं वो हमारे उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए होता है एक माध्यम है 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 जो जो हमारे माद्याम। गोल को सुरक्षित रखता है या है। उसको पूरा करने अब, अब मैं इसके आगे ये कहना चाहूंगा कि किस व्यक्ति को कितना इंश्योरेंस अपनी लाइफ के लिए लेना चाहिए वो उसकी आय के ऊपर निर्भर करता है और ये डिपेंड करता है हमारा सी जो बैंक के एफ रेट्स बार बार बदलते हैं उसके अनुसार ये हमारा जो फार्मूला है वो भी चेंज हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति की आय आज के हालात में एक लाख रुपए प्रति माह है तो उनको लगभग दो करोड़ का लाइफ कवर लेना चाहिए।, चाहिए अब दो करोड़ का लाइफ कवर लेने के लिए उनके पास बहुत सारे इंश्योरेंस भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस पर लाइफ कवर होता है एक इंडोमेंट प्लान होते हैं टर्म प्लान होते हैं मनी बैक प्लान होते हैं तो इन टाइप इन के प्लान में हमको लो प्रीमियम कम से कम प्रीमियम देकर अधिक से अधिक कवरेज हो उस तरह का प्रोडक्ट इंश्योरेंस के लिए चुनना चाहिए और निवेश के लिए हमें वो प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो हमारी महंगाई दर और जीडीपी को जोड़ के रिटर्न देता है तो उसके जीवन में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस फील नहीं करेगा उसके परिवार के सारे लोग तो, इस तरह से जी, इसकी जी, प्लानिंग होती जी, है और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है हेल्थ इंश्योरेंस इसमें अभी जैसे हमारे नरूला साहब सी साहब ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक सेक्शन एटी डी के अंतर्गत निवेश में पच्चीस हज़ार रुपये तक की छूट भी रहती है इस छूट के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस को आप प्रैक्टिकली देखिए जब व्यक्ति अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है और वो बीमार होता है तो वो जो काम करता है जो कारोबार करता है उस कारोबार का तो नुकसान होता ही होता है क्योंकि उतने दिन काम नहीं कर पा रहा है और वो उसके साथ साथ हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसका व्यय भी उसके ऊपर लोड चालू हो जाता है परंतु अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर व्यक्ति ले लेता है तो उसके पास उस कंपनी से आजकल कैशलेस की भी सुविधाएं हो गई हैं जो हॉस्पिटल उनके इम्पेनल्ड होते हैं वहाँ कैशलेस सुविधा भी है बिना कुछ दिए अपना उपचार कर सकता, कर सकता है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस की इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इसमें प्रमुखता से भूमिका होती है सर जी अब अगर आ, मेरा प्रश्न नंदन सर आपसे है जी, कि आ, बेसिकली हम न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम चूकी थर्टी फर्स्ट मार्च करीब है तो इसका सिलेक्शन हम कब करेंगे जी टैक्स फाइल करते समय जैसे मान लीजिए तीस जून लास्ट डेट आती है जी तो उस समय हमें करना होगा या अभी हमें इन्फॉर्म करना होगा कि हम आ, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद चेंज करने के प्रावधान क्या है कि अगर कल की डेट में मान लीजिए मेरी आय कम हो जाती है तो क्या मैं चेंज करके वापस ओल्ड रिजिम में आ सकता हूँ या न्यू रिजिम से ओल्ड या ओल्ड से न्यू कर सकता हूँ क्या बिल्कुल सर सर जब वित्तीय वर्ष ये प्रारंभ हुआ होगा तेईस चौबीस तो जो भी डीडीओ या एचआर डिपार्टमेंट होगा उसको एम्प्लॉय ने अपना एक डिक्लेरेशन जरूर दिया होगा कि वो किस स्कीम में रहना चाह रहा है लेकिन हो सकता है समय के साथ उसकी आय में कुछ परिवर्तन हुआ हो उसकी सोच में कैलकुलेशन में उसने कहीं हाँ, से चीजें पड़ी हो परिवर्तन हुआ हो तो आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है कि अब तो फाइनेंशियल ईयर दो दिन में खत्म होने वाला है अब मान लीजिए किसी ने ओल्ड रेजिम ऑप्ट की हुई है एक साल से अब वो जब रिटर्न भरेगा तो क्या होगा

अब वो रिटर्न भरते समय अपनी कैलकुलेशन चेक करता है उसको पता चलता है कि वो तो न्यू में बेटर सिचुएशन uh, में ज़्यादा बेनिफिशियल है, है, है तो वो न्यू ऑप्ट करेगा तो उस केस में जो अभी सर ने शब्द बोला कैशलेस तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैशलेस हो गया तुरंत उसका रिफंड जो है उसके खाते में आ जाएगा तो यदि ज्यादा टैक्स कट गया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं होती है रिटर्न यदि आपने समय पर भरा है तो ऐसा भी हुआ है कि एक दिन के अंदर आजकल रिटर्न प्रोसेस हो जाता है और लोगों के जो आधार लिंक्ड और इनकम टैक्स पे वेरिफाइड बैंक अकाउंट है उसमें मात्र एक दिन के अंदर उनका रिफंड आ जाता है कैशलेस कोई है। चेक नहीं आता हाँ। चेक खराब होना बाउंस होना हो जाना डाक में कोई समस्या नहीं है तो है। वो इस तरीके से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग चल रही है तो ये ऑप्शन ओल्ड को चूज करने का रिटर्न भरते समय एक्सरसाइज किया जा सकता है हाउस लोन के बारे में तो आपने विस्तार से हमें बता ही दिया है। जी सारी चीजें जो है उसमें क्लियर हो गई अब एक समस्या आती है कि एक मध्यम परिवार के पास शिक्षा का जी शिक्षा के लिए जो है क्योंकि शिक्षा और उपचार जी ये जो है दोनों मेडिकल फैसिलिटीज बहुत महंगी होती जा रही बिल्कुल तो यहाँ पर कई बार संभव नहीं होता कि हम मध्यम वर्गीय परिवार जो है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो है अपने पास से फंडिंग कर सके जी. वो लोन के माध्यम से जो है फंडिंग करने की कोशिश करता है जी. तो यहाँ पर अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की शिक्षा के लिए जी. लोन लेकर के उसे जो है शिक्षा उपलब्ध कराता है जी. तो उस दशा में उसको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं सर यदि कोई भी परिवार अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है तो अगर उसको एक आयकर की धारा एट्टी ई e होती है उसका बेनिफिट चाहिए तो वो लोन किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए होना चाहिए जो भारत में है विदेश के लिए नहीं पहली बात तो है दूसरी बात ये जितना भी लोन के रीपेमेंट में ब्याज का पेमेंट है उतने की आयकर में आपको एल्ड में ओल्ड स्कीम में छूट मिलेगी इसमें कोई लिमिट नहीं है, है सात वर्षों तक मिलेगी okay. यदि आपके लोन का रीपेमेंट दस वर्षों तक चल रहा है तो आपको छूट सात वर्षों तक ही मिलेगी और मूल वापसी की आपको कोई छूट नहीं मिलेगी जैसी हाउसिंग लोन में मिलती है वैसी एजुकेशन लोन में नहीं मिलेगी अच्छा अब एक समस्या ये आती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि लोन तो पिताजी ने लिया जी लेकिन जो है बच्चा अब पढ़ने के बाद काबिल होने के बाद उसकी अभिलाषा होती है कि ये लोन की भरपाई मैं अपनी तनख्वाह से या अपनी आय से करूँगा जी तो उस दशा में लाभ किसको प्राप्त होता है सर लोन यदि पिताजी ने लिया था तो हाँ। लाभ तो उन्हीं को ही मिलेगा जो भरपाई का जो लाभ है वो उन्हीं को ही मिलेगा तो लोन जिस जी लोन जिसके नाम से लिया जाएगा उसकी भरपाई का लाभ जो है वो उसी को ही मिलेगा। अगर बच्चा अपनी आय से भरता है तो उसे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है सर आजकल क्या होने लगा है बैंक वाले भी बच्चों को ही लोन देने लगे पिताजी को गारंटर बना लेते हैं तो बच्चे को लोन दे दिया मान लीजिए उसका चार साल का एजुकेशन का पीरियड है आज लोन दिया चार साल तक वो रीपेमेंट चालू नहीं करते जैसे ही चार साल खत्म होते हैं एक साल के मॉरेटोरियम के बाद रीपेमेंट चालू करते हैं वो बच्चा ही किस्त भरने चालू करता है

क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो इस फाइनेंशियल ईयर में आ, आ, कम से कम टैक्स भरें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें देखिए हमारे दूरदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ने जिन्होंने भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं चालू की हो वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करें फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा है गोल नरूल, है। नरूला सर आपसे भी मैं संक्षिप्त में चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए संदेश जी बहुत सर बस मैं संक्षिप्त में संदेश दूंगा कि अपने आयकर को समय पे भरें आयकर विवरणी इकतीस जुलाई आखिरी तारीख है नॉन ऑडिट करदाताओं के लिए उसको समय पे भरें और देश के योगदान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी टैक्स से संबंधित और निवेश से संबंधित धन्यवाद आप दोनों का तो दर्शकों इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने किस तरह से आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ हमें उचित मात्रा में टैक्स भर करके देश की इकोनॉमी में बराबर का सहयोग देना चाहिए जिससे हम और हमारा देश दोनों आगे अग्रसर रहें अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नमस्कार